गाइस, वेलकम टू अदर व्लॉग। मैंने शेयर कर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब भी खैरियत से है, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल मौसम की ख़राबी की वजह से जो है हर बंदा ही बीमार है। तो बस यही मेरे साथ मसला चल रहा है। और आज मैंने बनाए हैं भलो वाले पराठे, तो ये देख सकते हैं कि आज मेरे पराठे कैसे बने। बस मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पराठे बनाए हैं आज, और अभी हम लोग करने लगे नाश्ता। आज हस्बैंड की भी ऑफ है, तो बस अभी हम करते हैं नाश्ता। सो आप लोगों को मैं ये बताने वाली थी कि आज तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बड़ी अजीब सी हालत हुई है, तो सब लोग अपना ख्याल रखें। सब हम लोग करते हैं नाश्ता। और रात को मैंने आलू बीन्स बनाए थे, आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी। तो हम लोग करते हैं नाश्ता, अभी मिलती हूँ आप लोग को नाश्ते के बाद। बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। और बहनी साहब सो रहे हैं, तो मैं तो यही चाह रही हूँ कि वो उठ जाए ताकि मैं उसको भी नाश्ता करवा दूँ, लेकिन वो अभी सो रहा है। तो बस अभी हम लोग करते हैं नाश्ता। मम्मा ने बनाई थी सूजी, छोटी सिस्टर आज हैदराबाद से आ चुकी है, तो बस ये सूजी थोड़ी सी खाई है, बस दिल नहीं चाह रहा बाकी खाने का, तो बस ये रखी हुई है। तो अभी आज हस्बैंड कुछ बनाने लगे हैं, चिकन कढ़ाई शायद बनाने लगे, क्योंकि मुझे दिल चाह रहा कुछ चटपटा सा खाने का, क्योंकि बुखार की वजह से, गले की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है। और मम्मा जो हैं वो मसाला वगैरह बना रही हैं। बहनी साहब की आप आवाज़ें सुन ही सकते हैं, वो अपनी आनों की गोद में बैठा हुआ और बस शोर शराबा चल रहा है। सो बीमार बंदे का तो ये होता है ना कि वो उससे स्ट्रेस भी नहीं कर सकता छोटा बच्चा पास हो, क्योंकि छोटे बच्चे को भी देखना पड़ता है, फिर सारी चीज़ों को करना होता है। तो बस, और आज मैंने कैप पहनी है, सब गुस्सा करे कुछ ऊपर लेती नहीं, कुछ पहनती नहीं, तो सर पर मैंने कैप पहनी हुई है। और बिस्तर में ही थी मैं, बस आज अजीब सी तबीयत है, ऐसा लग रहा खिंचाव खिंचाव से जिस्म पे। सो बस अभी हस्बैंड आते कुकिंग करेंगी, जब तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मैं चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ, ये दही लेकर आए थे, तो वो मुझे कह रहे हैं कि तुम मैरिनेट करके रख दो, बाकी चीज़ें मैं खुद ऐड करता हूँ आकर के। तो मैं इसमें दही डाल रही हूँ, मैं ज़रा दही मैंने बोला कुछ चीज़ स्किप ना हो जाए आप लोगों को दिखाने से, तो मैं इसलिए ना मैंने बोला पहले दही डाल लेती हूँ ताकि आप लोग के सामने ये चीज़ शेयर हो जाए। और ये मसाला है चिकन कढ़ाई मसाला, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये सारा मसाला इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको कर लेते हैं मिक्सर। मैं पकड़ में बनाऊ, एक मिनट छोड़ दो, बात मुंडा पकड़ ले। और ये बहनी के पापा भी खुद ही करने लगे, जो भी करना है। एक मिनट चलो पकड़ाओ मन उत्ते करके, बहनी को मुझे पकड़ा रहे हैं, उनसे सही भी वो पकड़ा जा रहा था। लहसुन अदरक वो नहीं उसमें, वो मम्मी बोल रही थी जितना लेना ले लेना, अम्मी कह रही थी उसमें से ले लेना, चम्मच है दोरी में से, अभी ये मसाला ले लेने के थारा डालेंगे। तो अभी जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था लाइट चली गई, वरना ग्राइंडर में ही बनाते, वो भी वैसे भी ना ग्रीन चिली भी थी। और ये सारा मैरिनेट करके रखने लगे बहनी के पापा। और छोटी सिस्टर ये हैदराबाद से ही लेकर आई थी अमरूद और माल्टे केनू ऑरेंज वगैरह जो थे ये लेकर आई थी, वहाँ से ताज़ा ताज़ा बागों में से तोड़कर ये लोग लेकर के आते हैं। सो बहनी के पापा अभी मैरिनेशन के लिए कर रहे हैं चिकन को ऐड मसाले में, दही और उसके जो कढ़ाई मसाला उसके अंदर, और जैमू
आ जा खा ले आके तेरे भाई के हाथ की कढ़ाई। ब्लॉग तो तू देखती है, लेकिन अब तूने यही कहना, मैं आज अगली बार जब आएगी ना तो तुझे ज़रूर बना के हम खिलाएंगे तेरे भाई के हाथ का, लेकिन बता के आना। अपनी भाभी मिक्की को मैसेज कर देना, फिर हम लोगों को भी पता होगा, आएगी तो फिर खिलाएंगे। और आज बना रहे क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो पता नहीं क्यों मेरा इतना दिल जा रहा था। तो आज ये वैसे भी घर पे थे तो मुझे यही कह रहे थे कि चलो मैं बना के दे देता हूँ। थक जाते, मैं बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर मेरी तबीयत की वजह से ये बना के दे रहे। अभी इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेट करके, बहनी के पापा जो है वो प्याज की कटिंग कर रहे हैं और मसाले वगैरह जो भी हैं वो तैयार कर रहे हैं। और मैं जा रही हूँ बहनी के पास रूम में, क्योंकि वो वहाँ पे सबको तंग कर रहा है और बहनी के बाबा गुस्सा भी कर रहे हैं कि यहाँ से चली जाए, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, बस शूट भी तो करना था, तो बस इस वजह से मैं यहाँ पर थी। सो व्यूअर्स, मैं अभी रूम में आके बैठ गई क्योंकि वो गुस्सा कर रही है, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है और चक्कर भी आ रहा है क्योंकि वीकनेस की वजह से। वो खड़ा नहीं होना दे रहे, चाह रहे वहाँ पे मुझे, तो वो खुद बना रहे थे। जैसे ही थोड़ी बहुत बन जाता था फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अभी तो मैं कमरे में आके बैठ गई हूँ, वायरल है, बस हो जाएगा एक दो मिनट ठीक। क्योंकि मेरा तो यही मसला है कि मुझे अगर जब लगता है किसी से तो फिर मेरा थोड़ा टाइम लंबा ही रहता है, तो अभी हो जाएगा ठीक। तो बस अभी मैं यहाँ पे रूम में बैठी हुई हूँ, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को जब थोड़ा सा कुछ बन जाएगा, मतलब जैसे तैयारी सारी हो जाएगी, तो फिर वो जैसे बना लेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अभी मैं आप लोगों को ये दिखाने आई हूँ कि हस्बैंड ने घर के मसाले जितने भी थे वो इसमें ऐड कर लिए हुए हैं, वही जो प्याज ब्राउन करके बीच में मिर्ची वगैरह डाली है, और यहाँ पे सारे इसके अच्छे तरीके से इसको भुनाई करके इसके मिक्स कर लिया हुआ है, और अब यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो सारा इसके अंदर ऐड होगा। क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं ज़्यादा नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, तो हस्बैंड ने मुझे भगा दिया था यहाँ से। अब ये मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन जा रहा है बनने के लिए, और गैस जो वो नहीं आ रही, तो सिलेंडर पे ही सारा काम हो रहा है। मैस जो हो रहा है, तो आप अब ये नहीं कह देना कि किचन गंदा हो रहा है, तो ये है, वो है, मोस्टली लोगों को बड़ी मसले हो जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे खाना बन रहा होगा वहाँ पे थोड़ा सा मैस तो होगा ही। तो अभी बस ये है कि हस्बैंड अभी मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और बस यहाँ पर गैस आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बहुत कम आ रही है, तो बस अभी है इसके अंदर चला गया है मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो अभी ये सूरत हाल है, तो अब ये हस्बैंड मिक्स कर देंगे, तो फिर जब बन जाएगा प्रॉपर तरीके से फिर मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं और फिर उसके बाद चाय पिएंगे, और फिर बर्तन, जैसा कि आप लोग को पता है रोज़ रात की रूटीन जो है, और बहनी सब अपनी नानों की गोद में बैठ के तंग कर रहे हैं अपने नानों को, तो बस अभी हम लोग खाना खाने लगे। सो व्यूवर्स, अभी मैंने चाय रखी है क्योंकि चाय की आपको पता है सर्दी है, तो चाय तो लाजमी बनती है घर पे। सो काफ़ी बर्तन मम्मा ने धो लिए हुए हैं क्योंकि सर्दी की वजह से मुझे जो है बर्तन वगैरह नहीं धोने दे रहे थे। सुबह अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो बस अभी चाय पियेंगे हम सब लोग। आप अभी अपने बाबा के साथ, मामों के साथ, सबके साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, और टाइम जो हो रहा है वो 12 बजे वाले, और हम ये लोग आए हुए थे तभी अपने घर पे जाने लगे। तो बस अभी मैं भी व्लॉग का एड करती हूँ, खाना वाना खा के बर्तन धुल चुके हैं, बस चाय के बर्तन रह गए मैं। सो बस अभी अब सोने लगे, खाना वाना खा लिया, तब बर्तन वगैरह के बाद जैसे आपको बताया कि पहले ही मम्मा ने धो लिए, तो बस अभी चाय के थोड़े से बर्तन, और बहनी सब अपने बाबा के साथ मस्तियों में मगन है। सो अगर हमारी वीडियो को आप पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी वीडियोस कैसी आपको लगती है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़।